नमस्कार, फुल इन वेल में आपका स्वागत है। आज की दो बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर है ये, क्रीमिया पर विध्वंसक हमला किया गया है रात भर, और वो भी तब जब मॉस्को के तार यूक्रेन से जोड़े जा रहे हैं उसके बावजूद। लेकिन आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है, हूती पर हमला किया गया है। अमेरिका ने फैसला कर लिया है क्या इस बार या उस बार, ये बड़ी खबर है। और ये दोनों स्क्रीन आपके सामने, दोनों खबरें, क्रीमिया पर हमला और हूती पर हमला। पहली ब्रेकिंग न्यूज विद द शॉर्ट, हिजबुल्ला पर इजरायली सेना का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए। लेबनन के खियाम इलाके में बिल्डिंग तबाह, ये देखिए जरा, बड़ा अटैक किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्ला पर इजरायली सेना का प्रचंड हमला, ये देखिए जरा, लेबनन के खियाम इलाके में बिल्डिंग तबाह। दूसरी बड़ी खबर, हिजबुल्ला का इजरायली बेस पर हमला हुआ है, लेबनन से जंग शुरू, ये देखिए जरा, आईडीएफ के रेडार साइट को निशाना बनाया गया है, ये देखिए जरा, बड़ा अटैक है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्ला और आईडीएफ में जंग शुरू हो गई, यह आज की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए, इराकी मिलिशिया पर इसराइल का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, कताई हिजबुल्ला की चेतावनी पर पलटवार। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, इराकी मिलिशिया पर इसराइल का हमला। आमिर साहब, कतई हिजबुल्ला की चेतावनी पर पलटवार। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, खान यूनुस में इसराइल की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी, ये देखिए जरा, बड़ा अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी इलाके लवीव पर भीषण एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा, लवीव, बड़ा अटैक किया गया है। वीडियो के साथ लवीव में सुने गए 21 धमाके। आमिर साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, लवीव पर अटैक किया गया है। ये जो सामने स्केच बना है इसके लिए माफी, लेकिन इसी तरीके से वीडियो आया था। एक और बड़ी खबर, रूस ने मार गिराया यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के बाद खेरसोन में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, रूस ने मार गिराया यूक्रेनी हेलीकॉप्टर, ये देखिए जरा, ये युद्ध अपने चरम पर है। और इसी के साथ एक और ब्रेकिंग, रूस का सबसे विध्वंसक T-90 टैंक तबाह। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी पोजीशन पर हमले के बाद लौटते वक्त हमला हुआ, ये देखिए जरा, ये है T-90 टैंक जो तबाह कर दिया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, दिस इज द मोमेंट, ये देखिए जरा, ये है रूस का T-90 टैंक और जिसको तबाह किया गया, देयर इट गोज बूम। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, यूक्रेन का हेलीकॉप्टर, रूस का T-90, तू डाल डाल में पात पात, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए, यूक्रेनी सेना, बड़ी खबर, जंग के बीच यूक्रेनी सेना में शामिल हुई नई मशीन गन, कहां बन रही है, ये देखिए एमएन साहब, यूक्रेन में बनी मशीन गन के साथ सैनिकों की ट्रेनिंग। एमएन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, इसका मतलब यूक्रेन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज चल रही हैं, ये देखिए जरा, ये LMG का मॉडिफाइड वर्जन दिखाई देता। और अब सीधा आइए, बड़ी खबर, 5 विंडोज हमारे सामने, मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ऑटो ब्रेकिंग स्क्रीन पर आपके सामने, फिर हमारे खास मेहमान, ये देखिए, हिजबुल्ला पर इजरायली सेना का प्रचंड हमला, हिजबुल्ला का इजरायली बेस पर हमला, ये देखिए, कतई हिजबुल्ला की चेतावनी पर पलटवार हुआ है, बहुत बड़ी खबर है, लेबनन से जंग शुरू हो चुकी है, क्या ये कहा जाए, संकेत ऐसे ही दिख रहे हैं, खान यूनिस में इजरायल की एयर स्ट्राइक है। नीचे देखिए, वो है रशिया की खबरें, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे, मेरे साथ है जनरल सिन्हा सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। और आग के बैकड्रॉप में एकदम कूल एज एन आइस
दीपक वोरा सर, स्वागत है सर। एम्बेसडर दीपक वोरा सर, आपका स्वागत है आप दोनों का। लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, महायुद्ध के चार संकेत मेरे बगल में आपके सामने अभी आ रहे हैं। ये देखिए पहली बड़ी खबर, हूती का बलिस्टिक अटैक बिल्कुल मिस मत करिएगा। दूसरी बड़ी खबर, चीनी शिप पर हूती का हमला, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन कैसे कर दिया। मॉस्को के बाद क्रीमिया दहल चुका है और पुतिन ने कहा है कि बदला लिया जाएगा और यूक्रेन का नाम सामने आ रहा है, तो बदला किससे लिया जाएगा। पहली बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग, और उसके बाद फोर रेड सी में हूती का बलिस्टिक चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, हूती ने दागी 5 बलिस्टिक मिसाइलें, कार्गो शिप पर बलिस्टिक मिसाइल अटैक, समंदर में गिरी हूती की 4 बलिस्टिक मिसाइलें, 1 बलिस्टिक मिसाइल ने कार्गो शिप को बनाया निशाना। सीधे आइए कैंप 4 पर बड़ी खबर, मॉस्को के बाद क्रीमिया पर प्रचंड हमला। ब्रेक करिए जरा, मिसाइल हमले से दहला क्रीमिया, बड़ी खबर। रूस के नेवल बेस पर मिसाइल अटैक, क्रीमिया में 20 से ज्यादा धमाके, 20 से ज्यादा। रूस ने 10 मिसाइल मार गिराने का दावा किया। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग, नो शॉट्स। क्रीमिया और हूती का अटैक, ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ अगली खबर फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए, रूस पर हमले से आग बबूला हुए पुतिन। ब्रेक करिए जरा, पुतिन ने किया बदला लेने का ऐलान, हर एक गुनहगार को सजा मिलेगी, पुतिन ने कहा। टिकर ऑफ करिए, पुतिन का यूक्रेन पर सीधा आरोप, आतंकियों के लिए यूक्रेन ने बनाया रास्ता, पुतिन ने कहा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर फोर पे, ताइवान से तनाव के बीच चीन की जंगी एक्सरसाइज। ब्रेक करिए जरा, बड़ा विध्वंसक युद्ध अभ्यास कर रहा है चीन, समंदर से आसमान तक पसीना बहा रहे हैं पीएलए के सैनिक। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए, बड़ी खबर, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। और इस सब के बीच में हमारे जो फोर विंडोज हैं उसके भी हम वहां पर इंप्रोवाइज करेंगे। सीधे मैं चल रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनरल के सिन्हा सर। सिन्हा सर, पुतिन ने कहा है वो बदला लेंगे, कल रात में क्रीमिया पर अटैक हुआ है, हूती ने मेजर अटैक किए हैं। सर, बार बार पूछते हुए भी मुझे अजीब लगता है, अब क्या वर्ल्ड वॉर के नाम पर कोई सर्टिफिकेट जारी होगा यूएन की तरफ से? इट हैज बिगन। जय हिंद निशान। जय हिंद सर। जो आप बार बार कहते हैं वर्ल्ड इज एट वॉर एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, ये 21st सेंचुरी का बदलता हुआ रूप है, और ये कोई मानता है कि तकरीबन 5-6 साल में, एक दशक के बीच में ही वर्ल्ड वॉर का पूरा भयंकर रूप दिखाई देंगे। आज ये कहते हैं कि हम किसी भी तरह का, वेस्ट, कलेक्टिव वेस्ट कहता है यूक्रेन को हारने नहीं देंगे, यूक्रेन कांट बी डिफीटेड, और यूक्रेन डिफीट हो चुका है, 20% से ज़्यादा जमीन ले ली गई है। मगर जब वर्ल्ड इस तरह की चीज़ों पर जाता है, 2 साल हो चुके हैं वॉर के, अब आप देखिए वेस्ट एशिया में भी इसी तरह के हालात हैं, वेस्ट एशिया के अंदर में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं वो भी, और ये आप इसको दिखाते हैं, सिर्फ आपने में भी टच किया, इंडो पैसिफिक में जाते हैं जबकि चाइना, तो ये पूरा सिनेरियो खुल के है, ये कैसे होगा, धीरे होगा, ये कहना है। देखिए, आकलन ये कहता है, जो वॉर स्टडी ग्रुप है, कि ये 2026-27 के बीच में फुल फ्लेज हो जाएगा। कोई कहता है 5 से 7 साल, ये नेटो का आकलन कि 5 से 7 साल नेटो पर हमला होगा और उसके बाद वर्ल्ड वॉर तो निश्चित है। और जिस तरह से मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से वेस्ट हो रहा है, ये थोड़ा पहले जल्दी हो जाए, 3 साल 4 साल ऐसा, क्योंकि अभी भी पूरी वॉर इकॉनमी आप और वॉर का एफर्ट है जिसको मिलिट्री। सर, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने जो पॉइंट रखा है ये वैलिड है और ये बहुत बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। अगली खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिएगा, हूती के हमले से दहला रेड सी। ब्रेक करिए जरा, ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हूती का हमला हुआ है, ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हूती का हमला। ये देखिए जरा, हूती के हमले से ऑयल टैंकर में लगी आग, बाबल बंदाब से 100 किलोमीटर दूर हमला हुआ है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमले की आशंका। बड़ी खबर आ रही है,
सीधा आइए, चीन के कार्गो शिप पर हूती का हमला, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, एमवी हुआंग पू पर हूती का अटैक हुआ है, बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, चीन के कार्गो शिप पर हूती का हमला, एमवी हुआंग पू पर हूती का अटैक, पहली बार चीनी ऑयल टैंकर पर हमला। हूती ने चीन के कार्गो शिप पर दागी 5 मिसाइलें। हूती के हमले से चीनी शिप को नुकसान की खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, चाइना के ऑयल टैंकर पर, वहां पर ब्रिटेन के कार्गो शिप पर, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, हूती का हमला, रेड सी दहला, ये बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग आप संभाल के रखिएगा, निकाल के रखिएगा, इसको आगे भी रिफर पॉइंट के लिए हम लेंगे। सीधा आइए, हूती का हमला, रेड सी दहला, फ्लोर पर आइए, पीछे यही ग्राफिक्स रखे रहने दीजिएगा, नेवर माइंड, इस खबर को रखे रहने दीजिएगा, हमारी ब्रांडिंग ऑन रखिए। ये देखिए, हूती ने चीन के कार्गो शिप पर हमला किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी ऑयल टैंकर हुआंग पू पर मिसाइलें दागी है, चीन के ऑयल टैंकर पर 5 एंटी शिप मिसाइलें दागी गई, चीन के शिप पर पनामा फ्लैग लगा हुआ था, बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे के अंदर हूती ने एक और शिप पर हमला किया है, बड़ी खबर है। हूती ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर भी मिसाइलें दागी हैं, ये बड़ी खबर है। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, सीधा आइए यहां पर, अब कहानी यहां से मूव करके इस तरफ जा रही है, क्रीमिया पर हमला, एक बार फ्रेम कट करके दिखाइए। हमें उम्मीद नहीं थी कि मॉस्को पर हमले के बाद क्रीमिया को इतनी बुरी तरीके से अटैक किया जाएगा। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, मॉस्को के बाद क्रीमिया पर प्रचंड हमला। ब्रेक करिए जरा, मिसाइल हमले से दहला क्रीमिया, बड़ी खबर। रूस के नेवल बेस पर मिसाइल अटैक, क्रीमिया में 20 से ज्यादा धमाके, रूस ने 10 मिसाइल मार गिराने का दावा किया। ब्रेकिंग और शॉट पर आइए, बड़े विध्वंसक शॉट्स हैं। मॉस्को के बाद क्रीमिया पर बड़ा हमला, ये देखिए शॉट्स, मिसाइल हमले से दहला पूरा क्रीमिया, रूस के नेवल बेस में मिसाइल अटैक, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, टिकर में खबर अपडेट करिए, हूती नहीं क्रीमिया की बात हो रही है। ये देखिए, मॉस्को के बाद क्रीमिया पर प्रचंड हमला, क्रीमिया में 20 से ज्यादा धमाके, शॉट देखिए जरा, ये बड़ी खबर। और ये बड़ा अटैक किया है, ये देखिए जरा, ये क्रीमिया पर जो अटैक किया है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रीमिया में 20 से ज्यादा धमाके किए गए, एम्बियंस अप, रूस ने 10 मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, ये देखिए सर, ये क्रीमिया पर अटैक किया गया है जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, क्रीमिया पर ब्रिटिश मिसाइलों से हमला। ब्रेक करिए जरा, क्रीमिया पर दागी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, ब्रेक करिए जरा, मिलिट्री बेस पर दागी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है स्टॉर्म शैडो मिसाइलें। नाउ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, क्रीमिया पर ब्रिटिश मिसाइलों से हमला, ये देखिए जरा, क्रीमिया पर दागी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, लोकेशन प्लीज। मिलिट्री बेस पर दागी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है स्टॉर्म शैडो मिसाइलें। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा स्क्रीन पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और लेफ्ट वाले का एम्बियंस आप करके रखिएगा। सीधे आइए दीपक वोरा सर के पास, दीपक सर, ये लोग क्या समझ रहे हैं पुतिन को, ये क्या ये सोच रहे हैं, और मैं यहां पर पुतिन के लिए बैटिंग नहीं कर रहा हूं। दीपक सर को दिखाइए प्लीज, क्या इनको ऐसा लगता है कि वो जंगल का वो शेर है जो अभी पिंजरे में बंद है, उसको पत्थर मारोगे तो वो सिर्फ पिंजरे के दायरे में रहेगा। वो व्लादिमीर पुतिन है, 87% वोट मिले हैं, गुड बैड अगली फेयर और फाउल, ही नोज व्हाट ही वांट्स, व्हेन ही वांट्स, हाउ ही वांट्स इट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर, ऑलवेज अ प्लेजर, टोटल प्लेजर, थैंक यू सर। अब मैं बेगिंस्की से पूछना चाहता हूँ, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं नुकसान, क्या वो चाहता है अपने देश में ये चीज है? सर पिछले कुछ दिनों में 3 चीजें हुई हैं, बहुत जल्दी से उसका जिक्र कर देता हूँ। एक तो जो कॉन्सर्ट हॉल पर हमला हुआ है मॉस्को में, 133 लोग कहते हैं मारे गए हैं,
पुतिन साहब ने अपने बयान में यह कहा है कि जैसे नाज़ीज ने हमारे बच्चों और औरतों को मारा था, उसी तरह से ये लोग मार रहे हैं। ये नाज़ी का रेफरेंस जब रशिया में जाता, मैं तो रहा हुआ, उनका खून खौलने लगता है सर। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुआ, सिंगल ब्रेकिंग, तो उसने फिर से इसको उठाया है इस मुद्दे को दूसरी और कहा है कि हम बदला लेंगे अप्रोप्रिएटली। दूसरी तरफ ये जो 27 नपुंसक ब्रसल्स में मिलते हैं, शायद उनको यूरोपियन यूनियन ऐसा कुछ कहते हैं, तो आप कहने लगे कि जो रूसी सेंट्रल बैंक के पैसे हमारे बैंक्स में पड़े थे उनका प्रयोग करेंगे हथियार खरीदने के लिए यूक्रेन के लिए। यानी आप तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बन गए, आप तो उनके पैसे कॉन्फिस्केट कर रहे हो। और फिर पुतिन ने कहा ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रखोगे। और विक्टर ओरबान हंगरी के जो उन्होंने कहा कि हमारा जंग नहीं है, ये यूक्रेन का जंग है, तुम लोग अपनी तरफ से जंग लड़ रहे हो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखे, ये बहुत महत्वपूर्ण सा मैसेज क्या है। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, कई बार हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अमेरिका में रखते हैं, यूरोपियन बैंक्स में रखते हैं, इधर रखते हैं, उधर रखते हैं। मैसेज यही है कि जब हम चाहें उन्हें हड़प कर लेंगे। अगर हम आपसे नाराज हैं, फ्रीज करना एक बात है, उनको खर्च करना दूसरी बात है। और कहां से लेंगे आप एमुनिशन? पाकिस्तान से। आप लोगों की फैक्ट्रीज में तो दम है नहीं, आप खुद ही कहते हो कि हमारी प्रोडक्शन नहीं है। उधर बेगिंस्की कहता है ये तो यूरोप के मुंह पे तमाचा है, फिर आप बड़े बहादुर हो जाते हो। सर मैं आ रहा हूं उस खबर पर जो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन एक और वॉर फ्रंट देखिए, अगर रशिया पे अटैक हो रहा है तो आज मैं ओपनली सवाल पूछता हूं, कैसे हूती भी एकदम से एक्टिव हो गया है? रेड सी में हूती की बैलिस्टिक चेतावनी, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती ने जागी 5 बैलिस्टिक मिसाइलें, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कार्गो शिप पर बैलिस्टिक मिसाइलों का अटैक, समंदर में गिरी हूती की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में हूती की बैलिस्टिक चेतावनी, ये देखिए जरा, हूती ने दागी 5 बैलिस्टिक मिसाइलें। अटैक, समंदर में गिरी हूती की 4 मिसाइलें, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। और अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हूती एक्टिव है, एक तरफ वहां पर वो क्रीमिया पर अटैक कर रहा है, इसका क्या तालमेल है? इसका तालमेल क्या है, सोचिए जरा, ये मैं बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इसका क्या तालमेल है? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेकिंग दिखाइएगा, हूती का बैलिस्टिक के बाद ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा, अमेरिकी शिप पर ड्रोन से हमला किया गया है, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, अमेरिकी शिप पर ड्रोन से हमला, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने 6 ड्रोन तबाह किए, यूएसएस कार्नी ने मार गिराया हूती के ड्रोन, अदन की खाड़ी में दागे गए थे सुसाइड ड्रोन। मेरा सवाल बहुत बड़ा है, हूती ने कहा था कि वो आइजनहावर को टारगेट करेगा, क्या ये वॉर ड्रिल है? ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, दो फ्रंट पर वॉर एक्टिव हो चुका है। देखिए हूती का डबल अटैक जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और क्रीमिया वाली खबर को निकाल के रखिएगा, सीधा आइए फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, हूती का डबल अटैक, रेड सी में 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, नंबर 1 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, नंबर 2 1 मिसाइल कार्गो शिप से टकराई, नंबर 3 बगल में देखिए आप, क्रीमिया में आपको दिखा रहा हूं नॉन स्टॉप, क्योंकि क्रीमिया को मत भूलिएगा, क्रीमिया पर क्या होगा यह हर कोई जानता है, प्लीज प्ले इट ऑन पीसीआर। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद ड्रोन अटैक, ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है क्रीमिया की खबर, और ये है हूती का अटैक, 6 सुसाइड ड्रोन से अमेरिकी शिप पर हमला हुआ, ये देखिए जरा, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने 6 ड्रोन मार गिराए हैं, बड़ी खबर है। और अब एक बार फिर से पुनः मैं यहां पर जा रहा हूं, क्रीमिया की खबर निकाल कर रखिएगा, ये देखिए, हूती पर हमला, क्रीमिया पर हमला, सीधे आइए क्रीमिया पर हमला, क्रीमिया को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, विजुअल्स के साथ ब्रेक करिए सीधे, क्रीमिया में रूसी डिफेंस सिस्टम एक्टिव, ब्रेक करिए जरा, कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा, ब्रेक करिए जरा, हवा में ही इंटरसेप्ट की गई क्रूज मिसाइलें विद अ वीडियो, यूक्रेनी ड्रोन्स भी हवा में मार गिराए गए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्रीमिया की बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा क्रीमिया की ब्रेकिंग और शॉट जो अभी आपने प्ले की थी उसको बगल में प्ले करिए, और ये फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए, दहल गया क्रीमिया, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर,
क्रीमिया पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है, बड़ी खबर है। क्रीमिया में क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है, टिकर ऑफ करिए। ये देखिए क्रीमिया पर 20 से ज्यादा धमाके सुने गए। ये देखिए क्रीमिया में रूसी नेवल बेस पर हुआ हमला, क्रीमिया में रूसी मिलिट्री बेस पर टारगेट, क्रीमिया में ऑयल डिपो में धमाका हुआ है, क्रीमिया में सुसाइड ड्रोन्स दागे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा इस खबर के जो हमारे क्रीमिया के शॉट्स हैं उसको बगल में प्ले करिए, पीसीआर पुल अप यहां पर तेजी से जरा बगल में जो शॉट्स है वो प्ले करिए और सीधे चलिए मेरे साथ सिन्हा सर। सिन्हा सर, क्रीमिया और मॉस्को एक साथ, पुतिन क्या करेंगे अगले 24 घंटे में? देखिए पुतिन के पास जो ऑप्शन है वो तो कर ही रहे हैं, आपने ही बताया कि किस तरह से एक मिसाइल, ऐसा भी खबर आ रही है कि तकरीबन 57 सेकंड्स वो पोलैंड की धरती पे रहकर और फिर जो डीप इनसाइड यूक्रेन ने वो हिट कर रहे हैं और ये पहली बार हुआ है लबीब में 25 से 27 जो आपके यू नो मिसाइल्स की फायर, इतना भयंकर फायर नहीं हुआ था और लगातार चल रहा है। मगर देखिए बात क्या है, आपने बताया कि क्रीमिया के अंदर में और सेवास्टोपोल के अंदर में अभी भी वो रीच कर रहे हैं। आपने सैडोस्ट्रम की बात की, मेरे ख्याल से एटकम भी आ चुका है जो यू नो अमेरिकन टैक्टिकल मिसाइल देते हैं जिसको 500 किलोमीटर का रेंज है। और इसके अलावा आप देखिए ना यूक्रेन ने कहां कहां एक्टिव कर दिया।